ये दास्तां है एक निहायत ही हुनरमंद अभिनेत्री की, जिन्हें हम दिव्या दत्ता के नाम से जानते हैं। दिव्या दत्ता का जन्म हुआ 25 सितंबर सन 1977 में, शहर था लुधियाना, राज्य पंजाब। इनकी वालदा का नाम है नलिनी दत्ता, जो कि एक सरकारी अफसर और डॉक्टर रहीं। इनकी माता ने इन्हें अकेले ही पाला पोसा। इनके एक भाई भी हैं। दरअसल ये जब 7 बरस की थीं, तब दिव्या दत्ता के पिता का देहांत हो गया था। दिव्या दत्ता ने अपनी माँ को ही अपना आदर्श माना है। दिव्या जी की पढ़ाई लिखाई हुई सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में, जो कि लुधियाने में है। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने कुछ टेलीविजन कमर्शियल्स में काम किया था। फिर एक म्यूजिक वीडियो आया रोमियो, जिसे लंदन के संगीतकार बेसमेंट जैक्स ने बनाया। दिव्या दत्ता का ताल्लुक बना स्टारडस्ट एकेडमी से। एक फिल्म भी बनाई गई थी, साल था सन 1993, फिल्म का नाम आंचल, जिसमें इनके साथ थे जयदीप बीका। ये दोनों ही स्टारडस्ट एकेडमी की डिस्कवरी रहे, पर ये फिल्म आगे जाकर बनी नहीं। ऐसी कई फिल्में रही जिनकी शुरुआत तो हुई पर वो अपने मुकम्मल अंजाम तक न पहुंच पाई। पर दिव्या दत्ता ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने हुनर का लोहा मनवा कर ही रखेंगी। सन 1994 में एक फिल्म आई इश्क में जीना इश्क में मरना। फिर आई सन 1995 में सुरक्षा। इन्होंने धीरे धीरे सपोर्टिंग रोल्स करने शुरू कर दिए थे। इनके सामने एक्टर्स होते थे सुनील शेट्टी, आदित्य पांचोली, सैफ अली खान और शिवा। इन्होंने सलमान खान के साथ भी काम किया। फिल्म रही सन 1995 की वीर गति, पर अभी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो नतीजे नहीं दे रही थी जिनकी तमन्ना थी। इन्होंने अग्निसाक्षी में काम किया, छोटे सरकार में किया और फिर ये रानी मुखर्जी के साथ नजर आई फिल्म राजा की आएगी बारात में। इन्होंने जरा हटके फिल्मों में भी काम किया। खुशवंत सिंह के नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान पर आधारित फिल्म, जिसे पैमेला रूक्स ने बनाया था, उसमें भी इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किरदार निभाया। सन 1999 में वो फिल्म आई जिसने इतिहास रच दिया। ये एक पंजाबी फिल्म थी जिसमें इनके हीरो थे गुरदास मान। फिल्म का नाम शहीद मोहब्बत बूटा सिंह। इसी कहानी से प्रेरित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम रहा गदर एक प्रेम कथा। शहीद मोहब्बत बूटा सिंह वो फिल्म थी, भारत के तकसीम के वक्त की कहानी बयां करती है। कैसे एक सिख बूटा सिंह एक मुस्लिम लड़की जैनब से प्यार करने लगता है। वही जैनब जो हालात की मारी है, बूटा सिंह उसे सहारा देता है और आगे जाकर ये मोहब्बत वाकई जबरदस्त परवान चढ़ती है। इस फिल्म के लिए दिव्या दत्ता की बहुत तारीफ हुई। बदलते वक्त के सिनेमा में दिव्या दत्ता ने वो किरदार निभाए हैं जो इनकी समकालीन अभिनेत्रियों के लिए निहायत ही चुनौतीपूर्ण माने जाएंगे। दिव्या दत्ता बतौर टीवी एंकर भी नजर आई थीं और इन्होंने किताब भी लिखी है। किताब का नाम है मी एंड मा, जो कि 10 फरवरी 2017 में पब्लिश की गई। यकीनन जब भी सबसे ज्यादा हरफन मौला अभिनेत्रियों का जिक्र होगा तो पहली सफ में दिव्या दत्ता का नाम शामिल होगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।